चाचा में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? घर पे अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हो ना, और हमेशा अपनी मम्मी की बात भी सुनता हूँ। अच्छा बच्चों, तो बच्चों हमने पहला पार्ट का पूरा कार्य कंप्लीट कर चुके हैं ना, उसका अभ्यास हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। आज हम पार्ट दो स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों? आज मैं आपको पार्ट दो, देखो दोस्त की सीख, तो इस दोस्त की सीख माने अपने दोस्त से कुछ सीखना। तो इस कहानी में एक दोस्त अपने दोस्त को सीख सिखाए थे, और क्या है बोले तो मैं कहानी में आपको बताऊंगी। तो बच्चों आज की कहानी क्या है, दोनों दोस्तों के बारे में है। बच्चों देखो, दोनों दोस्तों कौन थे यहाँ पे? अमन और आशु, ये दोनों दोस्त थे और एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। एक दिन अमन को कुछ कारण अपने गाँव जाना पड़ा। तब दो दिन के बाद जब वो दोबारा पाठशाला आया था, तब तक अपनी कक्षा में दो पाठ खत्म हो चुके थे, इसी कारण वो बहुत ही उदास था। तब उसने सोचा कि अपने दोस्त आशु के पास गया और पूछा, दोस्त आशु, मैं दो दिन पाठशाला नहीं आया था ना, इसलिए मेरा बहुत सारा पाठ अधूरा है, तो तुम मुझे मदद करना और तुम्हारी कॉपी मुझे देना, एक दिन के लिए मैं पूरा कर दूंगा। आशु ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा, उसमें कौन सी बात है, तुम मेरे घर आके ले जाना। ऐसे कहते हुए अमन ने दूसरे दिन आशु के घर गया था और कॉपी लेने के लिए। तब जब वो अमन आशु के घर गया था, तब आशु का कमरे के पास गया तो देख एकदम चौंका था, एकदम वो चौंक गया था। अरे क्या है ये, मामी उसका पूरा सा सामान बिखर बिखर कर, एक जगह बैग, एक जगह किताब, पेंसिल, सब कुछ बिखरे बिखरे थे, पर फेंका हुआ था वहाँ पे यहाँ पे, ऐसा कमरा पूरा साफ सुथरा नहीं था, वो चौंक गया था। तब अमन ने आशु को देखकर एकदम चौंका था। तब उसके काफी जब वो पूछा तो आशु पूरा कमरा ढूंढने लगा, मगर काफी नहीं मिली। तब अमन ने समझा कि कॉपी कहीं रख दी और ये अपना सामान भी ठीक जगह नहीं लगाया। तब उसको एक आइडिया आया, आइडिया माने उपाय, वो तो उपाय किया, किसी भी तरह से आशु को सुधारना है। तो दूसरे दिन जब वो दोनों कक्षा में गए थे, तब फिर से अमन ने अपना कॉपी आशु से पूछा था, क्या आशु तुमने मेरा कॉपी ले आया क्या? तब आशु ने कहा, नहीं अमन, मैं तो बहुत देर तक ढूंढते रहा मगर कॉपी तो नहीं मिली, मैं फिर से ढूंढने का आकर आपकी कॉपी ला दूंगा। अमन ने बोला, ठीक है, इतने में अध्यापक जी आए थे, और अध्यापक ने आशु से हिंदी कॉपी पूछी, आशु चलो अपना हिंदी कॉपी निकाल के बताओ। आशु चुपचाप उधर उधर ढूंढने लगा, बैग में देखा, वहाँ यहाँ देखा, कुछ भी नहीं मिला, हंसा झुका कर बैठा था। तब अध्यापक ने पूछा कि निकालो आशु, और कितना दे देगे तुम, अपनी कॉपी बताओ। तब आशु ने उठकर कहा, जी अध्यापक जी, मेरी कॉपी तो नहीं मिल रही है। तब सब लोग हंसने लगे, बच्चे सब साथ के बच्चे हंसने लगे। तब अमन को बहुत ही बुरा लगा और उसने कहा, दृढ़ निश्चय किया, संकल्प किया, संकल्प माने दृढ़ निश्चय माने डिसाइड कर चुका था कि किसी ना किसी तरह अपने दोस्त को दोस्त बदलना है और उसमें बदलाव लाना है। तब उसने एक उपाय सोचकर बोला कि हम आशु, दो दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, क्या तुम हमारे जन्मदिन पर नहीं बुलाओगे? और आशु को तो बहुत ही पार्टी का तो भी बहुत ही शौक था। तब आशु ने कहा, क्यों नहीं दोस्त, सब दोस्तों को मैं अपने जन्मदिन पर बुलाऊंगा, और सबको स्वागत दिया था कि मेरे जन्मदिन है और आप सब लोग मेरे घर आ जाना। तब अमन और सारे दोस्त मिलकर आशु के घर उसके जन्मदिन पर गए थे। तब आशु बहुत ही खुश हो गया था, अपने घर जाकर पूरे सामान को साइन कर लगा दिया और जन्मदिन की तैयारी में था। जब सब दोस्त घर गए थे तो चौंके, एकदम अच्छा सा था। तब अमन ने पूछा कि आशु देखो तुम्हारा कमरा कितना आज साफ है। आशु ने बोला, हाँ दोस्त, आज मेरा कमरा बहुत ही साफ है, देखो ढूंढते ढूंढते वक्त
तुम्हारी हिंदी कॉपी भी मिल गई और मेरी कॉपी भी मिल गई। तब मम्मी आकर, आशु की मम्मी आई थी और हंस कर बोला, देखो आशु, ये आइडिया तो अमन का था। अमन, तुम्हें बदलाव लाने के लिए ये उपाय सोचा था ताकि तुम सुधर जाओ, अब अपनी चीजें सही ढंग पर लगो। तब आशु ने निश्चय हुआ और बोला कि हाँ, आज से मैं दोस्त में वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आज से मैं अपनी चीजें सही ढंग पर लगाऊंगा और इधर उधर नहीं फेंकूंगा। तब मम्मी ने बताया था कि देखो बच्चों, हम किसी ना किसी कारण, जो हमारी लापरवाही के कारण चारों में, अपने दोस्तों में, बाहर और बड़ों के सामने लज्जित माने शर्मिंदा होना पड़ता है, सर झुका के रहना पड़ता है। इसलिए हम ऐसे काम नहीं करना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य की ध्यान रखना चाहिए, हमारी चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए और हर चीज़ सही ढंग पे रखना चाहिए और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। यह कहते हुए मम्मी, आशु की मम्मी ने बच्चों को बहुत मज़े से पार्टी एंजॉय करने दिया। तो बच्चों देखो, हमने इस पार्टी से क्या सीख लिया, हमें दोस्तों की मदद करनी चाहिए और साफ अपने घर आजू बाजू सब, हमारा जो मोहल्ला है, हर एक जगह साफ सुथरा से रखने पे ध्यान देना चाहिए। तो वादा करो कि आप लोग भी अपने घर में लॉकडाउन में, अब जो घर में बैठे हुआ ना लॉकडाउन में, तो अपने घर में भी ध्यान देना कि सब चीज़ें रखी जगह रहना चाहिए और नीट से रहना चाहिए, और बाहर अपने मोहल्ले में भी साफ रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक बार अपने दिमाग में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और इसी से हमारा क्लास समाप्त होता है। इसका अभ्यास करते हुए हम नेक्स्ट सेक्शन में लेंगे और इसका पाठ आप ध्यान से पढ़ो और मैं इसके प्रश्न भी पूछूंगी और इसके उसका अभ्यास भी कराऊंगी।